तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के सेशन में। तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। तो पहली बात तो मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा लेट हो गया आपका, जो प्रीलिम्स के जो क्रैश कोर्स के वीडियोस थे उसको आने में थोड़ा सा समय लग गया है, लेकिन उसी टाइम में हम लोग फोकस कर रहे थे किसके ऊपर, डेली करंट अफेयर्स के ऊपर। तो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर आप रेगुलर आ रहा होगा, उसको देखते रहिए क्योंकि वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। और प्रीलिम्स के लिए जो लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है वो चलती रहेगी, उसकी टेंशन लेने की बात जरूरत ही नहीं है। तो देखिए आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फेब्रुवरी का करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। दो पार्ट्स में बेसिकली वीडियो आएगा, पहला पार्ट खत्म होगा आज और कल हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। तो दो पार्ट्स में हमारा फेब्रुवरी का करंट अफेयर्स हम लोग खत्म कर देंगे। तो ये करंट अफेयर्स देखिए और डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी आप जरूर देखिए, उसको भी मिस मत करिए क्योंकि वो बेस बिल्डअप करेगा आपके आंसर राइटिंग में, ठीक है, मेंस के। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन फेब्रुवरी करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन फेब्रुवरी करंट अफेयर्स। फेब्रुवरी की जितना भी करंट अफेयर्स है हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज हम लोग देख रहे हैं कि साइंटिस्ट ने मैप किया है लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ। सबसे डीप सी कोरल रीफ सबसे बड़ा लार्जेस्ट कहां मिला आपका, देखिए यूनाइटेड स्टेट्स का आपका अटलांटिक का कोस्ट है, ठीक है, अटलांटिक के कोस्ट देखिए वहां पे, तो 500 किलोमीटर लेंथ का है ये कोरल रीफ, ठीक है, कहा गया है सबसे बड़ा, तो 500 किलोमीटर का लेंथ है इसका। देखिए फ्लोरिडा स्टेट अगर आप देख रहे होंगे यूएसए का, तो मैप में एक बार देख सकते हैं, लगाया नहीं यहाँ पे, आप चाहे तो चेकआउट कर लीजिए। देखिए फ्लोरिडा टू साउथ कैरोलिना, इतने डिस्टेंस करीबन 500 किलोमीटर के लेंथ में आपका, जैसे यूएसए है ना, यूएसए इस तरीके से आपका बना हुआ है, ये आपका यूएसए है, ये आपका मेक्सिको है, ठीक है, उसके अटलांटिक क्लोज में यहाँ पे फ्लोरिडा है। तो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगा ये लार्जेस्ट नोन डीप सी कोरल रीफ, ठीक है। इसका क्या नाम रखा गया है, दैट इज मिलियन माउंट्स। मिलियन माउंट्स आपको पता अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा दिस इज अ कोरल रीफ, डीप सी कोरल रीफ ऑन द अटलांटिक कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंट इंडिया का और तंजानिया का नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट काउंसिल एनईएमसी, तो सीएसई ऑफ इंडिया एंड एनईएमसी ऑफ तंजानिया, इन्होंने एक मीटिंग करी, कंसल्टेशन किया दार एस सलाम। दार एस सलाम कहाँ है ये देखिए, दार एस सलाम, दार एस सलाम इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया। तंजानिया के कैपिटल में इन्होंने साथ में बैठे और कहा कि ये जो लेक विक्टोरिया है ना, ये देखिए दिस इज लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया को डेवलप करेंगे, डेवलप स्ट्रेटजीज टू रिस्टोर लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया को दोबारा रिस्टोर करना है। लेक विक्टोरिया अभी भी है लेकिन काफी डिटोरिएटेड कंडीशन में है, कंडीशन खराब है, ठीक है, तो इसको दोबारा से किस तरीके से डेवलप किया जाए इसकी स्ट्रेटजी ढूंढने की बात है। तो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पूछा जाएगा कि भाई लेक विक्टोरिया के आसपास कंट्रीज बताइए, तो नाम पता होना चाहिए और इनकी कैपिटल ही पता होनी चाहिए। तो एक तरफ तंजानिया है साउथ की तरफ, ठीक है, आप ईस्ट की तरफ कीनिया है, नॉर्थ की तरफ युगांडा है, तो युगांडा कीनिया और तंजानिया, ये तीन कंट्रीज आपका लेक जो विक्टोरिया है वो उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। कीनिया का बहुत छोटा सा पोर्शन है, मेनली युगांडा और तंजानिया का। तो कीनिया का कैपिटल सब जानते हैं नैरोबी होता है, तंजानिया कैपिटल हमें पता चला दार एस सलाम, युगांडा का कैपिटल इज कंपाला, ठीक है, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैबिट इंक्लूसिव, रैबिट आईएनसी एक कंपनी है जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए। ये क्या करेगा, ह्यूमन स्मार्टफोन एक्शंस को वॉइस कमांड के थ्रू काम करेगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में आप ओला बुक करते हैं, उबर बुक करते हैं, तो आपको बुक करना पड़ता है ना उसको उठा के, लेकिन अगर हम ऐसा कुछ कंडीशन हो कि उसको हम डायरेक्टली वॉइस कमांड दे दें कि भाई हमें उबर बुक करना है इस प्लेस से इस प्लेस तक, तो ऑटोमेटिकली बुक हो जाए। तो इस प्रकार के आपके ह्यूमन स्मार्टफोन एक्शंस को वॉइस एक वॉइस असिस्टेंट पूरा करेगी। तो यह रैबिट आईएनसी आपका कंपनी का नाम है जिसने ये मॉडल डेवलप किया। देखिए फोटो आपके सामने है, इस प्रकार का डिवाइस है, इसको आप वॉइस कमांड देके स्मार्टफोन के सारे काम करवा सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं काले शेर और गोरे शेर की, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप काला शेर देख रहे हैं, इसका अगर बॉडी देखेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक कलर के पैचेस हैं, तो इसको बोलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर। तो मेलानिस्टिक टाइगर पहली बार चालू किया गया है, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहां पे, शिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ये उड़ीसा में है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व कहां पे चालू किया गया है, इन शिमलीपाल टाइगर रिजर्व। देखिए मेलानिज्म क्या है, एक जेनेटिक कंडीशन होती है दैट रिजल्ट इन इंक्रीज मेलानिन प्रोडक्शन लीडिंग टू ब्लैक और नियरली ब्लैक स्किन फेदर्स और हेयर। बेसिकली ये जो ब्लैक कलर का इनका स्किन है टाइगर का, तो ऐसे टाइगर को हम लोग बोलते हैं मेलानिस्टिक टाइगर, एक जेनेटिक कंडीशन है ऑब्वियसली। फिर देखिए गोरे टाइगर देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए गोरे टाइगर की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेयर गोल्डन टाइगर, इसकी फोटो खींची गई है रिसेंटली आपका कहाँ पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में।
एक इस प्रकार का गोल्डन टाइगर दिखा है और उसका फोटोग्राफी की गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडियन ग्रे वुल्फ की। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं इंडियन ग्रे वुल्फ। ये ग्रे वुल्फ कहां पे दिखा है? ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ग्रे वुल्फ इज अ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये याद रखिएगा। इस हैव वाज साइटेड, इसको देखा गया एट नेशनल चंबल सेंचुरी, कहां पर है? इटावा में, नेशनल चंबल सेंचुरी इटावा में इसको देखा गया। इसके अलावा अगला न्यूज है आपका कोस्ट गार्ड को लेकर। देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना कब हुई थी? देखिए 19 अगस्त 1978 को हुई थी और इसको इनॉग्रेट किया गया था आपका पीएम मुरारजी देसाई के द्वारा, इनॉग्रेट किया गया था 1978। तो ये 1 फरवरी को आपका अपना रेजिंग डे मनाता है, 48th रेजिंग डे मनाया गया अभी रिसेंटली 1 फरवरी को, ठीक है। 2 फरवरी को हमको पता है वेटलैंड डे है, तो वेटलैंड डे से पहले इंडियन कोस्ट गार्ड, याद रखिए भाई इंडियन कोस्ट गार्ड के लोग गए और वेटलैंड ढूंढा, इस तरीके से याद रखिए। तो 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे और वेटलैंड डे है 2 फरवरी को, ठीक है। तो इनका कमोमेरेटिंग इट्स रिमार्केबल जर्नी फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग इन 1977 में ये बेसिकली चालू हुए, ठीक है। फॉर्मली इनॉग्रेट आपका 1978 में किया मोरारजी देसाई ने। अब देखिए अगला न्यूज देखते हैं। देखिए इकोवास, इकोवास क्या है? देखिए फुल फॉर्म देख लीजिए इकोवास का, फिर समझते हैं है क्या ये। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट एशियन स्टेट्स। तो इसके 3 फाउंडर मेंबर्स जो कि कौन से हैं? माली, नाइजर और बुर्किना फासो। बेसिकली ये आपके 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का एक आपका ग्रुपिंग है, ठीक है, जिसके फाउंडिंग फादर रहे के जो 3 मेंबर्स हैं बुर्किना फासो, माली और नाइजर, इन्होंने मेंबरशिप से विड्रॉल कर लिया गया था। और इन्होंने रीजन ये दिया कि ये जो इकोवास है इनके अगेंस्ट सैंक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। इनके एक्चुअली मिलिट्री रिजीम से इनका कंट्रीज में, तो इसके अगेंस्ट सैंक्शन लगाया जा रहा है भाई इकोवास, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो इन्होंने क्या विड्रॉ कर लिया माली, नाइजर और बुर्किना फासो ने। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कहां पे हुआ था इकोवास का? तो ये आप ध्यान रख सकते हैं लागोस, नाइजीरिया। नाइजीरिया में देखिए लागोस है, बहुत बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ एशिया है लागोस। तो यहाँ पे आपका मई 1975 में ये ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। देखिए बात करते हैं हम लोग बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, ठीक है। बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लॉन्च किया नीतीश, उनके सीएम भी है नीतीश कुमार, इन्हीं के नाम पे ये लगा रखा गया। देखिए नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी कि नीतीश। तो इस प्रकार का एक डिवाइस है, ये डिवाइस अपने पास आप रखेंगे तो कोई भी अगर मान लेते हैं डिजास्टर आएगा तो आपको अलर्ट दे देगा। तो फार्मर्स ये डिवाइस अपने पास रखेंगे तो इसको अलर्ट मिलता रहेगा कि कोई फ्लड, लाइटनिंग तो नहीं आ रही, कोई फ्लड तो नहीं आ रहा, कोई हीट वेव, कोल्ड वेव, किसी प्रकार का डिजास्टर अगर होने की संभावना है तो इसका अलर्ट आपको मिलता रहेगा इस डिवाइस में, जिसका नाम है नीतीश। ये किसने स्टार्ट किया है आपका? बिहार के स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और IIT पटना ने मिलकर ये आपका डिवाइस बनाया है और लॉन्च किया है भाई बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आई होप बात समझ में आ गई हो। तो देखिए अभी 1 फरवरी में हमने देखा कोस्ट गार्ड का रेजिंग डे था, 2 फरवरी में वेटलैंड डे क्योंकि हमने बताया, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 मनाया गया। उसके एक दिन पहले उसके ईव पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा कि अभी रामसर साइट बढ़ के 80 हो गए, पहले 75 थे, यानी कि 5 नए रामसर साइट ऐड होते हैं। कहां पे? तो ये आपके 3 कर्नाटका में और 2 तमिलनाडु में। तो देखिए कर्नाटका में आम AAM यानी कि अनका समुद्र बर्ड सेंचुरी, उसके बाद अघनाशिनी एस्चुरी और मगाड़ी गीरे कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये कर्नाटका में हो गया, कर्नाटका आम। तमिलनाडु का KL कराईवेट्टी और लॉन्गवुड शोला, कराईवेट्टी और लॉन्गवुड शोला, तो ये आई होप याद रहेगा आम और KL। तो बेसिकली सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए रामसर साइट्स कहां पर है, आप कहेंगे देखिए तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है 16 और सेकंड नंबर पे आते हैं उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट्स हैं इन टोटल 80 में से। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल की। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया सी केयर्स वेब पोर्टल। तो ये सी केयर्स वेब पोर्टल क्या है? जो भी एम्प्लॉयज हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ कोल के, तो उनके कोल माइनर्स प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका प्रोविडेंट फंड मैनेज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसने अपना एक वेब पोर्टल लॉन्च किया सी केयर्स नाम से, ठीक है। बनाया किसने ये वेब पोर्टल को? तो सीडैक ने बनाया। सीडैक बेसिकली आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर आता है सीडैक, ठीक है, सीडैक के द्वारा बनाया गया सी केयर्स पोर्टल। फिर बात करते हैं देखिए यूरोपियन कमीशन की। यूरोपियन कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि देखिए 90% ये ग्रीन हाउस गैस एमिशन अपना कम कर देंगे बाय 2040, मतलब 1990 लेवल्स में जो आपके ग्रीन हाउस गैसेस थे उसका 90% कम हो जाना चाहिए बाय 2040, ऐसा रिकमेंडेशन दिया है। अब देखिए कितना हो पाता है ये तो आगे समय ही बताएगा। इसके अलावा हम बता रहे हैं नगोया प्रोटोकॉल के बारे में, हम जानते हैं नगोया प्रोटोकॉल इज ऑन एक्सेस ऑफ बेनिफिट शेयरिंग
एक्चुअली अब एनवायरमेंट नहीं पढ़े, एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो ये सामने आपके सामने रखा जाएगा, लेकिन अभी ध्यान में सकते हैं नगोया प्रोटोकॉल इज ऑन आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, UNCVD के अंतर्गत ये आपका एक प्रोटोकॉल आता है। ये बात करता है एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, आपका कोई भी जैसे बायोडाइवर्सिटी है उसके बेनिफिट शेयरिंग के लेकर बात करता है। तो ये एग्रीमेंट साइन कर लिया गया बाय कैमरून, कैमरून आपका सेंट्रल अफ्रीकन नेशन है, इसके द्वारा ये अडॉप्ट कर लिया गया नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नवीन पटनायक जी जो आपके ओडिशा के सीएम है, उन्होंने एक टाइम का लाइवलीहुड कैश असिस्टेंस दिया। एक्चुअली 95 लाख आपके फैमिलीज हैं जिनमें करीबन 3 करोड़ के आसपास मेंबर है, 3.35 करोड़ के आसपास मेंबर है, तो हर फैमिली में आपका 1000 रुपीज की कैश राशि दी गई, ठीक है। तो ये आपका मतलब एक्चुअली ये सारे जो फैमिलीज हैं पीडीएस सिस्टम ऑफ ओडिशा के अंतर्गत आते हैं, इन सबको 1000 रुपए की राशि दी गई हर फैमिली को, ठीक है। फिर बात करते हैं टाइप वार टीसीबी। टाइप वार टीसीबी एक टाइफॉइड का वैक्सीन है, टाइफॉइड जो है अभी ये वैक्सीन लेंगे तो टाइफॉइड होने की संभावना कम हो जाएगी। टाइप वार टीसीबी पहली बार आपका ये एक वैक्सीन बनाया गया, ठीक है। इट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लिनिकली वैलिडेटेड कंजुगेट टाइफॉइड वैक्सीन। तो क्लिनिकली वैलिडेटेड एक्चुअली ट्रायल्स होते हैं किसी भी वैक्सीन के, तो उसके फेज 3 के ट्रायल्स जो है जो कि मालावी अफ्रीका में हो रहे थे वो अभी कंक्लूड कर दिए गए हैं, और WHO ने इसको प्री क्वालिफाई करा था 2017 में। तो अब ये एक प्रॉपर वैक्सीन बनके तैयार हो गया क्योंकि ट्रायल्स के ओवर हो गए हैं। नाम याद रखिएगा टाइप बार टीसीवी, ये एक टाइफॉइड वैक्सीन है। बात करते हैं हम लोग ऑरोविल एक्सपोजर टूर की। तो ऑरोविल कौन के क्या है, एक जगह है, ठीक है, कहां पर है, विल्लुपुरम तमिलनाडु में आपका ये एरोविल नाम की जगह है। बेसिकली एक यूनिवर्सल टाउनशिप बनाने की बात है यहाँ पे, मतलब एक यूनिवर्सल टाउनशिप है यहाँ पे, दूसरे कंट्री से लोग आके रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी फोकस करते हैं, ये एनवायरमेंटल को प्रोटेक्शन करके चलते हैं। ये जो पूरा जो शहर है ये आपको एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके बनाया हुआ है, मतलब कोई भी अनसस्टेनेबल चीज यहाँ पे नहीं होती है, मोटर व्हीकल्स का बहुत कम यूज होता है, ठीक है, तो ताकि एनवायरमेंट को कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तो बहुत ही एक सस्टेनेबल लिविंग का एक नमूना बनके उभरा है आपका ऑरोविल, ये तमिलनाडु का टाउनशिप है। तो इसी ऑरोविल नाम के टाउनशिप में आपका एक टूर दिया जा रहा है अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के अनुसार, स्टूडेंट्स को यहाँ का टूर दिया जा रहा है ताकि सस्टेनेबल लिविंग कैसे होती है ये लोग सीख सके ऑरोविल एक टाउनशिप जो है इससे, ठीक है। तो ये टाउनशिप आपका तमिलनाडु में, जैसा कि हम लोग जानते हैं इसमें 3,282 लोग रहते हैं, आपके 59 कंट्री से आए हुए हैं, और ये जो टाउनशिप का जो गोल है आपका 50,000 लोगों को यहाँ पे मतलब रहने का एक गोल बनाया जा रहा है, मतलब आपका 50,000 लोगों को 50,000 पीपल की कैपेसिटी यहाँ पे डेवलप की जाएगी जहाँ पे लोग रह सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी ऑरोविल एक्सपोजर टूर की। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई 6 मेगा पोर्ट बनाने की बात है बाय 2047, ठीक है, जिनमें से चार पोर्ट क्लस्टर्स ऐसे होंगे जिनकी कैपेसिटी आपका 300 मिलियन टन पर साल से ज्यादा की कैपेसिटी होगी, और दो और अलग पोर्ट क्लस्टर बनेंगे चार के अलावा, तो 4+2 हो गया कितना, 6। तो 6 पोर्ट कौन कौन से है, देखिए कोचिन विजिंजम पोर्ट क्लस्टर, इसके अलावा गैलेथिया साउथ बे पोर्ट, ये आपका निकोबार आइलैंड्स में बनेगा, उसके बाद आपका चेन्नई कमराजार कुडलूर पोर्ट क्लस्टर, ठीक है, इसके अलावा पारादीप और आपके अदर नॉन मेजर पोर्ट क्लस्टर है, इसके अलावा कांडला पोर्ट आपका गुजरात में और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका महाराष्ट्र में, ये सारे आपके 6 इंपॉर्टेंट पोर्ट बनाए जाएंगे मेगा पोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपका निसार प्रोजेक्ट का। निसार प्रोजेक्ट क्या है और किसके बीच में है, तो देखिए नासा और इसरो के बीच में आपका ये निसार प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिंथेटिक एपर्चर रेडार निसार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में एक यूनिवर्सिटी है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कूफोस, इसने भी इस निसार प्रोजेक्ट में पार्ट लिया है। तो यहाँ इसका उद्देश्य यह है कि एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा आपका निसार सैटेलाइट, ठीक है। तो ये 30 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया है और ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट डॉन टू डस्क ऑर्बिट और इसका मिशन लाइफ आपका 3 साल का है। तो ये बात होगी आपके निसार प्रोजेक्ट की, ठीक है। इसके अलावा अगला न्यूज है हमारा, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने प्रिसाइड किया है ओवर द 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन किसका, ऑफ SPMCIL दैट इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपका नई दिल्ली में है,
तो इसका जो इसका प्रिसाइड ओवर किया है भाई श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। फिर बात करते हैं हम लोग कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज। कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज बेसिकली अगर एक टिक इन्फेक्टेड बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड टिक ये अगर बाइट कर ले तो आपको ये डिजीज हो जाता है कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो इसको मंकी फीवर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका कर्नाटक में देखा गया है, कर्नाटक में कयासनूर फॉरेस्ट में आपको ये आपका डिजीज देखा गया है। यही का एंडेमिक डिजीज है। एंडेमिक डिजीज मतलब किसी स्पेशल रीजन में ही ये पाया जाता है। तो ये डिजीज कयासनूर फॉरेस्ट कर्नाटका में पहली बार देखी अपीयर हुआ था मंकी में, इसलिए इसका नाम आपका मंकी फीवर भी बोला गया है। तो एंडेमिक कहाँ है, एंडेमिक टू द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्ट इंडिया कर्नाटका में आपका ये प्रेजेंट है, दैट इज कयासनूर फॉरेस्ट डिजीज। उसके बाद बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसमें वो 11 फेयर प्राइस शॉप कहाँ के, ऊना और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऊना और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के, उसके 11 फेयर प्राइस शॉप को इंक्लूड किया गया है। किसमें इंक्लूड किया गया है, इसमें ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म, एक प्रकार का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है एक तरीके से, आप ऑनलाइन इसमें ऑर्डर वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स यहाँ बताया भी गया है, इज अ नेटवर्क दैट अलाउज यूजर्स टू डिस्कवर एंड यूज लोकल कॉमर्स अक्रॉस सेगमेंट सच एज फूड ट्रैवल मोबिलिटी। तो लोकल बिजनेसेस को आप यहाँ पर से ढूंढ सकते हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। तो एक प्रकार का ये एक ऑनलाइन सर्विस हो गया, जो ऑनलाइन आप चीजें सर्विस को अवेल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है, लोकल कॉमर्स क्या क्या है ये सब के बारे में पता कर सकते हैं। तो इसमें आपका 11 फेयर प्राइस शॉप्स ऐड हुए हैं हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने आपका एक लाइफ साइज स्टैचू किनका, जनरल बिपिन रावत, लेट जनरल बिपिन रावत का आपका इसकी अनवीलिंग की है। कहां पे आपका टोन्स ब्रिज स्कूल है आपका देहरादून में, यहां पे इसकी अनवीलिंग की गई है, ठीक है। इस समय इनके जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी ये भी प्रेजेंट है, तो यहां पे आप जनरल बिपिन रावत जी की यहां पे स्टैचू देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर, काफी चर्चा हो रही है आजकल। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये स्कीम तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको बंद किया जाए। तो ये बेसिकली स्कीम आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया था 2018 में। तो एक्चुअली इलेक्शन को फंड करने के लिए लोग भाई कैश डोनेशन देते थे, तो कैश डोनेशन की प्रॉब्लम हटाने के लिए इन्होंने कहा है कि चलो कैश डोनेशन नहीं देंगे, अब इलेक्टोरल बॉन्ड भी दिया जा सकता है। तो थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी आपकी पॉलिटिकल फंडिंग में बढ़ाने के लिए ये आपका स्कीम लाया गया था, ठीक है। और ये फंड किसको मिलता, जो भी सेक्शन 29 ऑफ आरपीए एक्ट 1951 के अंतर्गत जो पॉलिटिकल पार्टीज आपकी एनरोल्ड है, ठीक है, और 1% से ज्यादा उनको वोट मिला है किसी भी आपके लास्ट लोकसभा इलेक्शन में और किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो वोट्स पड़े हैं, 1% से ज्यादा वोट उनको मिला हो तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स पाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये तो फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन है अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी अवहेलना करता है, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर बात किया, देखिए कीनिया एक कंट्री है अफ्रीका में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैपिटल है नैरोबी, उसमें उनको रिजर्व्स मिले हैं, फर्स्ट रिजर्व्स ऑफ वैल्यूएबल मिनरल कोल्टन। अब एक कोल्टन मिनरल काफी वैल्यूएबल मिनरल है, क्यों, क्योंकि इस कोल्टन से आपके रेयर मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं जो कि आपका इलेक्ट्रिकल कार बैटरीज, मोबाइल फोन्स और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसमें इनका काफी ज्यादा यूज होता है कोल्टन का। तो ये कोल्टन आपका डिस्कवर किया गया है, ठीक है। अच्छा, कोल्टन इज शॉर्ट फॉर कोलंबाइट टेल्टेनाइट, ठीक है। कोल्टा उसको रिफाइन करके आपका टेल्टेटम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कोल्टन से, ठीक है। तो कोल्टन के रिजर्व आपको याद करना है, कहां मिले आपके कीनिया में, यहां पे देख सकते हैं ये कोल्टन है, ये मिनरल है कोल्टन, इसको रिफाइन करेंगे तो आपका टेल्टेटम निकलेगा यहां से, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ईवी वगैरह में यूज होगा, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन है, तो इसलिए ये वैल्यूएबल ज्यादा हो जाता है। फिर बात करते हैं, देखिए नए लोकपाल के चेयरपर्सन बनाए गए किसको, अजय मानिक राव खानविलकर, ये खानविलकर साहब की फोटो देख सकते हैं आप। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं और इनको चेयरपर्सन बनाया गया है आपका लोकपाल का, चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ लोकपाल। एक थोड़ा सा ये आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे जनरल स्टैटिक देख सकते हैं। तो चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ लोकसभा किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, सब जानते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन लेकिन होती है एक सिलेक्शन कमेटी की। सिलेक्शन कमेटी में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होता है। तो ये आपका डिसाइड करती है कि भाई देखिए लोकपाल कौन बनेगा, उसके मेंबर्स कौन होंगे, ठीक है।
लोकपाल एक बॉडी है जिसमें चेयरपर्सन के अलावा 8 मेंबर और होते हैं, 4 जुडिशियल और 4 नॉन जुडिशियल। तो ये बात हो गई लोकपाल की और अजय मानिकराव खानविलकर जी की। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, रिजर्व बैंक ने कह दिया है कि देखिए पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक कोई वॉलेट है, ये कोई भी नया डिपॉजिट अब से लेना बंद कर देगा, ठीक है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होंगे आफ्टर मार्च 15 2024 के बाद, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन और नए डिपॉजिट्स लेना बंद करेगा ये। अब देखिए नए सीएम आपके झारखंड के चुने जाते हैं, 12 सीएम कौन, आपके चंपई सोरेन, पहले हेमंत सोरेन थे, उनको जेल जाना पड़ा, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर आपके चंपई सोरेन आपका नए चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब फ्रांस होस्ट कर रहा है किसको, 2024 समर ओलंपिक्स आपका पेरिस में होने वाला है, तो फ्रांस होस्ट कर रहा है आपका जुलाई 26 से लेके अगस्त 11 2024 तो ओलंपिक्स अभी होने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ऐसा किया है फ्रांस ने, फ्रांस बिकम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोपियन यूनियन टू इशू डिजिटल शेंजन वीजा। तो शेंजन वीजा होता है, ये वीजा आपको मिल जाए तो शेंजन एरिया जो यूरोप का है वहां कहीं भी घूम सकते हैं। तो शेंजन एरिया ऑफ 27 कंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे आप इस वीजा से आपका इजिली किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। तो वैसे नॉर्मली हर कंट्री का अलग अलग वीजा लेना पड़ता है, लेकिन ये सब जो 27 यूरोपियन कंट्रीज है, ये इन में आप कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको शेंजन वीजा मिला हुआ है तो यहाँ आप आसानी से जा सकते हैं। तो यही शेंजन वीजा को, डिजिटल शेंजन वीजा आपका प्रोवाइड किया गया है, तो फ्रांस पहली कंट्री बनती है यूरोपियन यूनियन की जिसने डिजिटल शेंजन वीजा इशू किया है। तो ये जो आपका वीजा है ये एक टेम्पररी एंट्री परमिट है और आप इससे आप ट्रेवल कर सकते हैं थ्रू आउट यूरोप के ये 27 कंट्रीज 90 डेज तक, लेकिन ये वैलिड है, ठीक है। तो टूरिज्म और बिजनेस के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी फायदा करती है यूरोपियन कंट्रीज का, ठीक है। दैट हैव द एलिमेंट, हाँ ठीक है, बॉर्डर कंट्रोल नहीं होगा ये तो मालूम चल गया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन स्माइल, आपसे पूछा जाए ऑपरेशन स्माइल एक्स किसका है ऑपरेशन, तो आप कहेंगे तेलंगाना पुलिस के द्वारा एप्लीकेशन किया गया है। क्यों किया गया है, टू रेस्क्यू मिसिंग एंड ट्रैफिक चिल्ड्रन। तो यहाँ पे 2024 में ऑपरेशन अभी तक देखिए 3479 चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया करा जा चुका है। तो देखिए ये है ऑपरेशन स्माइल एक्स। नेक्स्ट बात करते हैं आपका यूपीआई की, तो यूपीआई जो है यूपीआई 7 कंट्रीज में वैलिड है, इंडिया में तो है ही, इंडिया के अलावा 7 और कंट्रीज कौन से हैं देखेंगे। देखिए शुरुआत हुई थी देखिए श्रीलंका और मॉरिशियस, श्रीलंका मॉरिशियस के बाद हमारे भूटान और नेपाल जो पड़ोसी हैं उन्होंने कहा कि भाई हम भी यूपीआई पेमेंट करेंगे। इसके अलावा श्रीलंका मॉरिशियस तो था ही, इसके अलावा यूएई सिंगापुर और यूरोप का एकमात्र कंट्री फ्रांस जो है उसने कहा कि हम भी यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रांस ने कहा कि देखिए सबसे पहले ट्राई करते हैं आईफेल टावर में, आईफेल टावर देखने जाएंगे तो अगर पेमेंट करना चाहें आप यूपीआई से तो आप इजीली कर सकते हैं। आईफेल टावर के बाद दूसरे और एरियाज में भी ये आपका सुविधा धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। देखिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं यूपीआई के बारे में, उससे पहले बात करना पड़ेगा एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसके द्वारा बनाया गया, आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने बनाया एनपीसीआई। और एनपीसीआई ने 2016 में आपका यूपीआई बनाया जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग, ये रॉक पेंटिंग आपके सामने है, कुछ समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन जो भी है यही पेंटिंग है। तो ये आपका मीजोलिथिक पीरियड, लिथिक पीरियड पता है ना, अब हिस्ट्री तो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नहीं पढ़ चुके तो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट पढ़ लो भाई, ठीक है। ये सब वीडियोस अपलोड कर चुका हूं मैं प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा आपको मटेरियल यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स को टैकल करने का, धीरे धीरे और भी डाल रहा हूं, लेकिन अभी फिलहाल तो एंशियंट इंडिया का वीडियो तो ऑलरेडी डाल चुका हूं। पढ़िए मीजोलिथिक एज क्या होता है, तो मीजोलिथिक एज के रॉक पेंटिंग्स आपके कहां डिस्कवर होते हैं, डिस्कवर्ड एट सीतम्मा लोधी कट्टू सिंगरम इन तेलंगाना पिडापल्ली डिस्ट्रिक्ट। पिडापल्ली डिस्ट्रिक्ट में आपको ये मिलेगा मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग, ठीक है। मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज जैसे एंशियंट कल्चरल स्टेज है तो ठीक है पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वुमेन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा आपका एक वेब पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है ट्रैक चाइल्ड। तो ये ट्रैक चाइल्ड कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, आप बताया आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये तो आसानी क्वेश्चन हो गया, ये पूछेगा नहीं आएगा। तो ये आपका वेब पोर्टल है जिसका मिनिस्ट्री पता चल गया, क्यों है, तो ट्रैक मिसिंग एंड फाउंड चिल्ड्रन, कोई अगर चिल्ड्रन मिसिंग है और कोई अगर चिल्ड्रन मिला है तो उसको ट्रैक करने के लिए ये आपका पोर्टल है, ठीक है। अब देखिए फरवरी 1 हमें पता था इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे, फरवरी 2 हमें पता चल गया कि वेटलैंड डे, फरवरी 4 ये आपका इंडिपेंडेंस डे ऑफ श्रीलंका है, 76th इंडिपेंडेंस डे श्रीलंका सेलिब्रेट करता है और इस दिन ब्रिटिश रूल खत्म हुआ था 1948 में। तो ये बात होगी श्रीलंका की। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए यूनियन कल्चरल मिनिस्टर जी किशन रेड्डी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ देखिए डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी। देखिए एपिग्राफी क्या होता है, एपिग्राफी जैसे कोई स्टोन में इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है,
कुछ कॉइन्स में कोई मार्किंग लिखी हुई है, तो ये सब जो चीजें हैं इसे कहते हैं एपिग्राफी। इससे हिस्ट्री का पता चलता है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में क्या क्या हुआ ये बात पता चलते हैं। जैसे कि भाई अशोक के आपके पिलर इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन, ये सब एपिग्राफी के अंतर्गत आता है। तो ये सब एपिग्राफिकल एविडेंसेस क्या आपका म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम, लेकिन केवल नेशनल म्यूजियम नहीं, डिजिटल नेशनल म्यूजियम, तो ये जो एपिग्राफी है कोई डिजिटली भी देख सकता है, ठीक है। डिजिटल अगर इसको स्टडी करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी कहां पे स्थापित किया गया, सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, ठीक है। कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी एट सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, स्पीयरहेडेड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली यही करेगा, ठीक है। म्यूजियम एम्स टू हाउस अप्रोक्सीमेटली करीबन 100,000 एंशियंट राइटिंग्स, ठीक है, एंशियंट राइटिंग्स जो है, लिटरेचर जो है, एंशियंट लिटरेचर, ये सब ये प्रिजर्व करना चाहते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ये टारगेट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको खुश होना चाहिए, ये जो पेपर लीक हो जाती है ना बार बार, ठीक है, ये यूपी वाले बच्चे समझ सकते हैं, काफी बुक बोगी है, यूपी पीसीएस लीक हो, आपका जो आरओआरओ लीक हो गया था, ऐसे पेपर लीक हो जाते हैं, तो ऐसे पेपर जो लीक हो जाते हैं इसके लिए एक आपका लॉ बनाया जा रहा है। और लॉ बनेगा, पहले तो बिल इंट्रोड्यूस होगा, तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया गया ऑन फरवरी 5। बिल वॉज क्लियर्ड बाई पार्लियामेंट 9 फरवरी में, ये अपना क्लियर भी हो जाता है, ठीक है। इसमें जो भी लोग पेपर लीक कर रहे हैं उनके खिलाफ काफी कड़े एक्शन लेने का प्रावधान यहाँ पे है, जो कि होना भी चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया, किसके साथ, आईआईटी रुड़की के साथ, क्यों, डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो भाई आईआईटी रुड़की उत्तर प्रदेश का डिजास्टर मैनेजमेंट इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च वगैरह करेगी, तो इसके लिए एमओयू साइन किया जा रहा है। अच्छा अब देखेंगे, बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी की। देखिए इंडिया तो पांचवें पोजीशन में, टॉप पोजीशन में यूएसए है, अगले पोजीशन में क्या चाइना है, तो टॉप टू तो पता है, तीसरे नंबर पर जापान थी, लेकिन येन जो है जापान की करेंसी वो डिप्रिशिएट हो गई रिसेंटली, तो चौथे नंबर वाला जो जर्मनी है अब ये थर्ड पोजीशन पर पहुंच गया। तो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पहले जापान थी, अभी करेंटली पूछा जाए तो आप बोलेंगे जर्मनी इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यूएसए, चाइना, फिर आता है जर्मनी, फिर जापान, पांचवे नंबर पे इंडिया आएगा, जो कि हम जानते हैं। फिर बात करते हैं, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक मेजर प्रोजेक्ट सेट किया है जिसका नाम रखा है रीजनल सेंटर। अच्छा इनिशियल मेजर प्रोजेक्ट टू सेटअप अ रीजनल सेंटर सेट करना चाहते हैं ऑफ संगीत नाटक एकेडमी इन हैदराबाद। संगीत नाटक एकेडमी हैदराबाद का एक रीजनल सेंटर सेट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसका नाम रखा जा रहा है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गुप्तेश्वर फॉरेस्ट की। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तो देखिए हमने देखा उड़ीसा का बायोडाइवर्सिटी साइट क्या है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, पूछा जाएगा कहाँ है गुप्तेश्वर फॉरेस्ट, आप कहेंगे उड़ीसा में, लोकेटेड नेक्स्ट टू गुप्तेश्वर शिव टेम्पल इन द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ये देख लिया हमने। इसके बाद नासा ने लॉन्च किया है एक स्पेस सैटेलाइट। स्पेस का फुल फॉर्म देखिए क्या है, प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम, मतलब इन सब चीजों की स्टडी करेगा, क्लाउड, ओशन, एरोसोल, प्लैंकटन के लाइफ के बारे में, तो जो भी है। तो ये आपका लॉन्च किया गया है स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। तो स्पेस आपका नासा का न्यूएस्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है। तो आपसे पूछा जाए नासा का लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट कौन सा है, आप कह देंगे स्पेस है, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट को मदद करेगा हाउ क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग ब्लूम्स एंड ओशन फाइटोप्लैंकटन, ठीक है। तो ओशनिक ब्लूम्स और फाइटोप्लैंकटन कैसे अफेक्ट होते हैं आपके बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर स्टडी करेगा। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ठीक है। ये आपके कहाँ के हैं, यूएई के हैं। तो ये इन्होंने वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, यूएई का 7वां विजिट था पीएम का, ठीक है। तो पीएम अटेंड कर रहे थे, देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आपका दुबई में हुआ, ठीक है, इसको अटेंड किया और वहां पे एक हिंदू मंदिर का भी इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री जी ने, जिसका नाम है बैप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी। तो 14 फरवरी को ये इनॉग्रेट किया गया भाई प्रधानमंत्री जी। नेक्स्ट बात करते हैं आपका एमवी देश बंगला, ये एक शिप है, ठीक है, किसकी, बांग्लादेश की, जो क्या करते हैं स्टोन एग्रीगेट, मतलब स्टोन कंकड़ पत्थर ये उठाते हैं आपका इंडिया से, मैया पोर्ट है MAIA, और अपना बांग्लादेश का पोर्ट सुल्तानगंज पोर्ट में ले जाते हैं, ठीक है। इसका करेंगे क्या, उनकी मर्जी जो करें, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में इसका यूज होता है, ठीक है। अच्छा ये जो शिप है द ट्रायल शिपमेंट ऑन द माइया अरीचा रूट अलायंस विद द मैरिटाइम इंडिया विजन 2030। तो भाई ये विजन है आपका इंडिया का कि मैरिटाइम रूट्स को ओपन किया जाए,
ये प्लान करती है कि 50 वाटर वेल डेवलप करने बाय 2047, तो उसी का एक छोटा सा पार्ट हो गया ये माइया अरिचा रूट है, ठीक है, ये आपका इंडिया, ये आपका वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश से जोड़ेगा ये रूट, तो इसी रूट पे आपका ये एमवी देश बांग्ला जो शिप है ये चला है, ठीक है। तो ये बात होगी मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृत काल विजन 2047 का भी ये पार्ट है, तो ये बात हमें समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग भारत मार्ट की। भारत मार्ट ये क्या है, एक वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, कहां पर है, दुबई में, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा किनको, इंडियन एक्सपोर्टर्स को अपना प्रोडक्ट दिखाना इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में, ठीक है। तो जो इंडियन से इंडियन एक्सपोर्टर से अपना प्रोडक्ट इस वेयर हाउस जो भारत मार्ट वेयर हाउस है यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो यूएई के ट्रेड में हेल्प करेगा कि भाई यूएई में जो माल एक्सपोर्ट होता है यूएई पहुंचने से पहले इस वेयर हाउस में रखा जाए। इट विल ऑल्सो सर्व एज अ वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर इंडियन एमएसएमईस। भाई इंडियन एमएसएमईस कुछ ट्रेड करना चाहते हैं दुबई में तो सामान कहीं रखना पड़ेगा ना वेयर हाउस में, तो इंडिया ने एक वेयर हाउस बनाया है यूएई। तो ऑब्वियसली इंडिया और जो दुबई का जो ट्रेड है, इंडिया और यूएई का जो ट्रेड है उसको ये फैसिलिट करेगा। द फैसिलिटी सेट टू ओपन इन 2026, तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2026 को खोलने की बात है। कहां पे, जेबल अली दुबई, तो दुबई में खुलेगा जेबल अली नाम की जगह में आपका भारत मार्ट वेयर हाउस, ठीक है। तो ये भारत मार्ट का इनॉग्रेशन आपका फरवरी 14 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। अच्छा, अब देखिए बीपीसीएल ने एक एमओयू साइन किया किसके साथ, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ। तो उसमें क्या बोला गया है, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने की बात है, कहां पे, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे पहला ग्रीन प्लांट, हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा बाय बीपीसीएल, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं, व्हाइट गोल्ड मतलब कॉटन, कॉटन को हम लोग व्हाइट गोल्ड कहते हैं। ये इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन इंडिया। 25% ऑफ ग्लोबल कॉटन कहां से आता है, इंडिया से आता है। तो वैसे भी टेक्सटाइल के लिए इंडिया हमेशा से वर्ल्ड फेमस रहा है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ड्रीम ऑफ डेजर्ट क्या है, तो ये आपका सऊदी अरेबिया का फर्स्ट लग्जरी ट्रेन है या सऊदी अरेबिया का पहला, तो विच विल बी बिल्ड इन इटली, बन रहा है इटली में, और रियाद से आपका जॉर्डन के बॉर्डर तक ये आपका ट्रेन चलेगा, और काफी खूबसूरत ट्रेन है ये आपका ड्रीम ऑफ डेजर्ट। मतलब जैसे इंडिया का पैलेस ऑन व्हील्स है ना, उस तरीके से सऊदी अरेबिया में ये ड्रीम ऑफ डेजर्ट एक लग्जरी ट्रेन चलाया जा रहा है। फिर बात करते हैं हम लोग, देखिए बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन क्यों अभी हमारे न्यूज में है, क्योंकि इसको मिला है आपका 6 ट्रेन का कोच, मतलब एक ट्रेन है जिसमें 6 कोच का ट्रेन है ये पूरा, ठीक है। चलो, इसमें खास बात क्या है, इसमें लगा है विच इज द पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। अब ये क्या बात है, एक्चुअली में ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम जो है ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ड्राइवर लेस ट्रेन बनाने की बात है, मतलब कोई ड्राइवर नहीं होगा इसमें, कोई ड्राइवर नहीं होगा। 18.8 किलोमीटर लॉन्ग लाइन है कनेक्टिंग आरवी रोड एंड बॉम्बा सांड्रा और आरवी रोड दो स्टेशन है, इसके बीच में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये आपका ये मेट्रो रेल ये जो ट्रेन आई है ये कवर करेगी, जो कि ड्राइवर लेस होगी। तो पहली बार ऐसा हो रहा है ड्राइवर लेस ट्रेन कहां पे, बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, अभी ग्रीस एक कंट्री है जो आपका ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी कंट्री है, तो इसने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज, ठीक है। तो यूरोप की पहली आपकी ऑर्थोडॉक्स मेजोरिटी कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया गया है, ठीक है। अच्छा, अभी काफी ज्यादा इश्यू हो रहा है कास्ट सेंसस के मामले में, तो कास्ट सेंसस मतलब सेंसस में कास्ट के डेटा ऐड किए जाएंगे, तो ऐसा किसने बोला है, बिहार ऑलरेडी कह रहा है कि भाई कास्ट सेंसस करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर इश्यू कर चुका है कास्ट सेंसस के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश कह रहा है, तेलंगाना कह रहा है कास्ट सेंसस के लिए। तो तेलंगाना आपका तीसरा स्टेट बनता है जिसने गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया है टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ फोर्ट्स है, 12 फोर्ट्स का एक ग्रुप है, ठीक है। तो एक्चुअली मराठा एम्पायर जो था 17 से 19 सेंचुरी के बीच में, उस एम्पायर का जो रीढ़ की हड्डी थी वो थी उनकी फोर्ट्स, ठीक है। तो 12 फेमस फोर्ट्स हैं आपके मराठा लैंडस्केप के, ठीक है। तो शिवाजी महाराज के टाइम से ये फोर्ट आपके काफी इंपॉर्टेंट रखते हैं मराठाओं के लिए। तो ये जो 12 फोर्ट्स हैं जिनको कहा गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, इनको इंडिया ने नॉमिनेट किया है आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकॉग्निशन के लिए, मतलब इंडिया का नॉमिनेशन है ये 2024-25 का, दैट इज मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। कौन कौन से फोर्ट एक बार पढ़ लेते हैं, सालेर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, लोहगढ़ फोर्ट, खंडेरी फोर्ट, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग, बनहाला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग,
ये आपका महाराष्ट्र में ये सारे, और जिंजी फोर्ट आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एकमात्र फोर्ट है आपका इन 12 में से, दैट इज जिंजी फोर्ट। ये सब बात होगी हमारी मराठा मिलिट्री लैंडस्केप और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिकमेंडेशन के को लेकर। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अभी एक हाईवे बनाने की बात हो रही है, कहां से आपका 6 लेन हाईवे, छोटा मोटा हाईवे नहीं, 6 लेन का एलिवेटेड हाईवे बनाने की बात हो रही है बैंगलोर के बानेरघट्टा नेशनल पार्क से। तो एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहे हैं नेशनल पार्क से आप भाई लगा रहे हैं हाईवे, तो उससे ऑब्वियसली आपका बायोडायवर्सिटी को इम्पैक्ट पड़ेगा ही, तो वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट लॉस जो है इसके ऊपर जो एनवायरमेंटलिस्ट काफी कंसर्न शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात वो करते हैं हम लोग नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। ये कार्ड है ऑब्वियसली पता चल रहा है नाम से, इसके लिए मोबिलिटी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो एक कॉन्टैक्ट लेस स्मार्ट कार्ड है ये, आपका पे फॉर ट्रैवल, ये कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं, टोल ड्यूटीज भर सकते हैं, इवन रिटेल शॉपिंग भी कर सकते हैं और पैसे भी निकाल सकते हैं। मल्टीपर्पज कार्ड है, एटीएम की तरह भी काम करेगा और पेमेंट के लिए भी कार्ड करेगा। तो ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बनाया है, ये आपका 4 मार्च को लॉन्च किया गया है। एक्चुअली प्रधानमंत्री जी का एक विजन है वन नेशन वन कार्ड इनिशिएटिव टू एनकरेज कैशलेस ट्रांजेक्शन एंड डिजिटल पेमेंट्स। तो हर व्यक्ति का एक मतलब एक कार्ड से आप सारे काम कर पाए, तो इस प्रकार का नेशनल जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड को अभी प्रोत्साहित किया जाएगा, इसको लॉन्च कर दिया गया है आपका 4 मार्च 2019 को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए आपका इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था, एक्चुअली उन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल बनाया था जिसका हेड किया था टी के विश्वनाथन ने। तो ये जो कमिटी ने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की और एक रिकमेंड किया है वॉलेंट्री मीडिएशन एज अ कंटेम्पररी मैकेनिज्म टू रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक वॉलेंट्री मीडिएशन मैकेनिज्म का रिकमेंडेशन किया है किसने, टी के विश्वनाथ कमिटी ने, जो कि सेटअप किया था किसने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, चलो ये बात होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। तो वाटर पोल्यूशन एक्ट आपका 1974 में बना था, उसको दोबारा अमेंड कर दिया गया 2024 में। तो अब ये किसको अप्लाई करेगा, तो पूछ सकता है, देखिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूनियन टेरिटरीज के लिए ये एप्लीकेबल है, ये वाला जो एक्ट का जो आपका अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, और दूसरे जो स्टेट्स हैं ये भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर वो अपने स्टेट में रेजोल्यूशन पास करें। तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तो अमेंड हो चुका है, दूसरे स्टेट भी इसको पारित कर सकते हैं अपने स्टेट में। ठीक है, देखिए राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में 5 फरवरी को पास होता है, फिर लोकसभा में 6 फरवरी को ये पास हो जाता है ये एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए नेशनल हेल्थ फेयर कहाँ आयोजित किया गया, न्यू दिल्ली में आयोजित किया। किसने आयोजित किया, ऑर्गेनाइज बाई पूरन चंद्र गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा ये आपका जो फेयर है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आपका इन कोलाबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं 2-year-old कार्टर डालस आपके स्कॉटलैंड के है, ये बनते थे कि छोटा सा बच्चा है ये, 2 साल का बच्चा है ये यंगेस्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। 2 साल की उम्र में इसके पेरेंट्स लोग इसको ले गए माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में और ये बन गया द यंगेस्ट पर्सन टू रीच माउंट एवरेस्ट बेस कैंप। नाम क्या है, कार्टर डैलस। कहां का है, स्कॉटलैंड का है। फिर बात करते हैं, देखिए काल की धाम मंदिर कहां पर है, संभल में, उत्तर प्रदेश में, और इसके चेयरपर्सन कौन है, प्रमोद कृष्णन, ये देख सकते हैं आप, ये है प्रमोद कृष्णन साहब। तो ये प्रमोद कृष्णन साहब, तो अब ये पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ द श्री कालकी धाम मंदिर की स्थापना कर दी गई संभल में, जिसके चेयरमैन थे प्रमोद कृष्णन। तो ये एक न्यूज है हमने देखा। इसके बाद बात करते हैं पैलेस ऑन व्हील्स की। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स बहुत पुराना हमारा रेलवे है, इंडिया फर्स्ट लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है। ठीक है, तो ये राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा चलाया जा गया था 1982 में, ये था पैलेस ऑन व्हील्स। तो ये क्या करता था, इस ट्रेन के रूट में आपके जो भी राजस्थान के हिस्टोरिकल प्लेसेस है जैसे कि जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, भरतपुर, आगरा तो यूपी का हो गया, तो ये सारे साइट्स विजिट करवाता था। ठीक है, टूर करवाता था, देखिए अंदर से ऐसा लगेगा, बाहर से आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, ये ट्रेन हमने देख लिया। तो अभी रिसेंट न्यूज क्या है, तो May 24 में ये एक बाई मंथली रिलीजियस टूर आपका ऑर्गेनाइज करेगा जो अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा और वृंदावन का 6 दिन का टूर लगवाएगा और खाना होगा शुद्ध शाकाहारी, क्योंकि भाई रिलीजियस टूरिज्म के अंदर आता है। तो ये बात हो गई पैलेस ऑन व्हील्स का आपका 6 डे जर्नी जो आपका यूपी में अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज कवर करेगा और हिस्ट्री भी देख ली हमने पैलेस ऑन व्हील्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी ने
आपका प्रपोज किया है वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो इंटरिम बजट में ऐसा प्रपोजल दिया है कि वैक्सीनेशन किया जाएगा टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब कौन से बच्चियों का, तो 9 से 14 साल की बच्चियों के को वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, ऐसा इंटरिम बजट में बताया गया है भाई श्रीमती निर्मला सीतारमण। फिर बात करते हैं इंडिया फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल, छोटे जानवरों का हॉस्पिटल, इंडिया का सबसे पहला छोटे जानवरों का हॉस्पिटल खोला गया है किसने, देखिए टाटा ट्रस्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कहाँ खोला गया है, महालक्ष्मी मुंबई, मुंबई में खोला जा रहा है फर्स्ट एनिमल हॉस्पिटल। ये देखिए रतन टाटा जी, देख सकते हैं आप डॉगिल के साथ बैठे हुए हैं, तो ये आपका टाटा ट्रस्ट के द्वारा ही ओपन किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर, सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, ONGC इंस्टीट्यूट गोवा में आपका ये इनॉग्रेट किया जाता है। अच्छा, इंडिया इज सेट टू लॉन्च फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, पहली बार हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है, उत्तराखंड में, ठीक है। HEMS हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, ठीक है, ये आपका एम्स के द्वारा खोला जा रहा है, बेस्ड एट द एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश के द्वारा खोला जा रहा है फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में, ठीक है। अच्छा, ये 150 रेडियस, ये जहां पे हेलीकॉप्टर होगा उसके 150 रेडियस में जो भी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा बाय हेलीकॉप्टर। अब वैसे भी उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, रोड्स वगैरह थोड़ा डिफिकल्टी होता है, तो इमरजेंसी सिचुएशंस में हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी, कहने का ये मतलब है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं आदि महोत्सव की, आदि महोत्सव नाम से पता चल रहा है आदि महोत्सव मतलब ट्राइबल की बात हो रही होगी, तो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है। ये क्या शोकेस करता है, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट ट्राइबल हेरिटेज, किसके द्वारा चालू किया जा रहा है, मतलब ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, ट्राइफेड, ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेस द फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। 2024 फेस्टिवल टुक प्लेस, ये हुआ था कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया, ऑब्वियसली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट करती है। इंडिया फर्स्ट इंट्रोड्यूस जेंडर बजट, 2005-06 में जेंडर बजट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, किया गया था, ये हमने बात बताई। नेक्स्ट देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ज्योतिसार अनुभव केंद्र। देखिए ज्योतिसार अनुभव केंद्र कहां पर है और क्या है ये, तो देखिए ये आपका कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। देखिए कुरुक्षेत्र में क्या हुआ था, महाभारत हुआ था कि नहीं हुआ था, तो महाभारत से रिलेटेड आपका ये ज्योतिसार अनुभव केंद्र है, तो ये एक म्यूजियम है और इंटरप्रिटेशन सेंटर है जो महाभारत के थीम में बना है, एक म्यूजियम जो महाभारत के थीम में बना है, मतलब आप जाएंगे वहां पे आपको लगेगा कि आप महाभारत के समय के पैलेस में पहुंचे हैं, ठीक है। इसका फोटो यहाँ डाला नहीं है लेकिन आप गूगल पे देख सकते हैं, इसका बढ़िया आप देखिए महाभारत का पूरा सेटअप लगेगा आपका, है ना। तो ऐसा बनाया गया है ज्योतिसार अनुभव केंद्र को, इसको वर्चुअली किसने इनॉग्रेट किया, पीएम ने, कहां पे है, रेवाड़ी कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट एन मर्स, फिर प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत तो पता नहीं, एन मर्स ये आपका दुनिया का सबसे फर्स्ट लार्ज कंटेनर शिप है जो मीथेनॉल से चलता है, मीथेनॉल से चलने वाला सबसे लार्ज आपका शिप कौन सा है, ये आपका एन मर्स है, ठीक है। ये देखिए शिप देख सकते हैं आप, मीथेनॉल से चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, जापान की एक पुराना ट्रेडिशन है सोमिन सही फेस्टिवल, ये आपका कहां पे होता है, कोकुसेकी टेम्पल में आपका ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये आपका हजार सालों से ये ट्रेडिशन चल रहा है ये फेस्टिवल का, देखिए लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को, अब ये खत्म हो गया है, अब तो खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है कि भाई यंग लोगों का है, अभी जापान में यंग लोग थोड़े कम होते चले जा रहे हैं, तो ये सोमिन सही फेस्टिवल मनाने वाले कम होते चले जा रहे हैं, तो प्रचलन धीरे धीरे कम होते होते अभी इसको खत्म कर दिया गया है, अब से नहीं नहीं मनाया जाएगा, ये सोमिन सही फेस्टिवल ऑफ कोकुसेकी टेम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं, सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, सूरत एयरपोर्ट को। नेक्स्ट ये देखिए एक्टर थलपति विजय, ठीक है, थलपति विजय जी है, इन्होंने आपका नया पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चालू किया है, इसका नाम है तमिज़हगा वेत्री कज़गम, तमिज़हगा वेत्री कज़गम, ये अपना पॉलिटिकल पार्टी। वैसे तमिलनाडु में हम देखते हैं एक्टर लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाते ही हैं, कई बार देखा है हमने ये, तो ये अभी इसी कड़ी में जुड़ गए हैं थलपति विजय। नेक्स्ट देखिए बात करते हैं हम लोग किलकारी प्रोग्राम, किलकारी प्रोग्राम क्या है, एक मोबाइल हेल्थ के लिए एक इनिशिएटिव है, वर्चुअल इनिशिएटिव है, एक मोबाइल हेल्थ के लिए एक इनिशिएटिव है, इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका फ्री ऑडियो ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, आपके जो आशा वर्कर्स है ना,
रिफ्रेश द नॉलेज ऑफ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर्स, ठीक है, आप गुजरात और महाराष्ट्र के, उनको बेसिकली ऑडियो ट्रेनिंग दी जाएगी तो ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये होगा आपका किलकारी प्रोग्राम, ठीक है, आशा वर्कर्स के लिए हमने देखा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आपका 300 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इनॉग्रेट किया, कहाँ पे? पूगल तहसील बीकानेर, बीकानेर के पूगल तहसील में आपका करनीसार भटिया विलेज, बेसिकली पूगल तहसील याद रखिए, बीकानेर में आपका 300 मेगावाट का सोलर प्लांट इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली कंपनी बनती है, इंडियन कंपनी, जो कि 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस करती है, ठीक है, 20 लाख का मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका क्रॉस कर चुकी है। आई होप आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता होगा क्या होता है। जैसे आपके 200 शेयर हैं, हर एक शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपए है तो आपका मार्केट कैप कितना हो जाएगा? 2000 रुपए, ठीक है, एग्जांपल दिया। अब ये 20 लाख करोड़ है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप देख सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी ने फ्राइडे तो क्या, ठीक है, इनॉग्रेट किया, किसका फाउंडेशन स्टोन रखा, किसका? एम्स रेवाड़ी हरियाणा, ठीक है, एम्स रेवाड़ी हरियाणा का आपका फाउंडेशन स्टोन रखा किसने? मोदी जी ने। उसके बाद देखिए इंडिया का सबसे पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पर है? संबलपुर उड़ीसा में स्किल इंडिया सेंटर है। तो आपके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने इनॉग्रेट किया फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर उड़ीसा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए शेंजन एरिया आपको मालूम है, शेंजन जो अप्रूवल है, शेंजन एरिया जो है उसमें ऐड हो रहा है नया कंट्री जिसका नाम है कोसोवो, ठीक है। तो कोसोवो ये कौन सा एरिया है? ये बाल्कन एरिया है ना, ये सब बाल्कन एरिया में पड़ता है, तो बाल्कन कंट्री का, ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में ये आपका कोसोवो पड़ता है। कोसोवो बिकम्स लास्ट नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री इन वेस्टर्न बाल्कन्स। तो ये सारे जो कंट्री है, जैसे कोसोवो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्री आखिरी बनती है जो वेस्टर्न बाल्कन एरिया की, जिसको ये प्रिविलेज मिला है कोसोवो, ठीक है। तो कोसोवो आपका शेंजन एग्रीमेंट में ऐड हो गया है, शेंजन अप्रूवल मिल गया है, मतलब वीजा फ्री एक्सेस हो सकता है अभी शेंजन जोन में, मतलब कोसोवो का कोई भी व्यक्ति आपके इस शेंजन जोन में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है इजीली। तो ये ऐड हो गया कोसोवो, ठीक है। शेंजन एग्रीमेंट हमने डिस्कस किया कि 1985 में आपके 5 मेंबर कंट्रीज ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया था, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, लक्जमबर्ग और नेदरलैंड ने, अभी ये बढ़ के 27 कंट्री हो गए हैं। तो कई सारे नॉन यूरोपियन यूनियन जो यूरोपियन यूनियन में नहीं है लेकिन आपका शेंजन का हिस्सा है, वो है स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लाइचेस्टाइन, और देखिए कोसोवो भी हो गया है नॉन यूरोपियन यूनियन मेंबर ऑफ शेंजन एरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर की मदद से इलाज करा रहे हैं, कहां पे? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसको बोला जा रहा है आरोग्य डॉक्टर ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा जाए डॉक्टर ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट कहाँ का है? देखिए उधमपुर डिस्ट्रिक्ट तो जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस, ये इन्होंने लॉन्च किया AI सपोर्टेड टेलीमेडिकल मोबाइल क्लिनिक, ठीक है, कहाँ पे? रामनगर उधमपुर। ये देखिए डॉक्टर ऑन व्हील्स, यहाँ पे ऐसा AI डॉक्टर बैठा है, AI की मदद से इलाज हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग अपार की। अपार क्या है? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार। तो इसमें बात है कि हर एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, ठीक है, तो वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा, मतलब एक ही स्टूडेंट आईडी कार्ड होगा हर स्टूडेंट का पूरे इंडिया में। तो ये हमारा विजन है, तो इसी विजन को के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन अपार, जिसको धर्मेंद्र प्रधान जी ने अटेंड किया था, न्यू दिल्ली में हुआ था। तो अपार तो बता ही दिया ये क्या है, आपका इनिशिएटिव है, आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अलाइंड एक इनिशिएटिव है, एंड द नेशनल क्रेडिट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो बेसिकली एक सिंगल अकाउंट आईडी होगा हर स्टूडेंट का, ठीक है, जो 12 डिजिट का होगा ये आईडी, दैट इज वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड, कॉन्फ्रेंस अटेंड किया धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ठीक है, ये न्यूज है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट। देखिए इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट है, ये नाम क्या है? PSAT-1A। तो देखिए कई सारे स्पाई सैटेलाइट की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग इंडिया के स्पाई सैटेलाइट की बात सबसे पहले करेंगे, जो की है TSAT-1A। किसके द्वारा बनाया गया है? TESL मतलब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, विद कोलैबोरेशन विद सैटेलॉजिक लैटिन अमेरिकन कंट्री, एंड लॉन्च बाय स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है TSAT-1A, ठीक है, इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट स्पाई सैटेलाइट। फिर बात करते हैं हम लोग GNSS क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। पता है 7 सैटेलाइट भेजे गए हैं इंडिया के द्वारा, जो
इंडिया की पूरी प्रॉपर मैपिंग करता है अच्छे तरीके से, जैसे कि जीपीएस करता है ना, जीपीएस जैसा आपका इंडिया का जीपीएस है, जीएनएसएस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, 7 सैटेलाइट का समूह है जो कि ये सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब ये इसका यूज किया जा रहा है आपका फ्री फ्लो टोलिंग में, मतलब टोल्स लिए जाते हैं ना, तो आप कैसे टोल ना के लगते हैं हाईवे पे, जहां आपका टोल टैक्स भर के आगे बढ़ सकते हैं आप लोग टोल भर के, है ना, तो ये भरने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक टोल डिडक्शन हो जाएगा। तो जीएनएसएस टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल करके इस प्रकार का टोल सिस्टम बनाया गया है, ठीक है, बैरियर लेस फ्री टोलिंग। ये एक्सेस कंट्रोल 10 लेन मैसूर बैंगलोर एक्सप्रेसवे हाईवे में इस प्रकार का सिस्टम लगाने की बात है, सबसे पहली बार लगाया जा रहा है, पहली बार इंप्लीमेंट करके देख रहे हैं भाई कैसा काम चल रहा है, कहां पे, मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस। नेक्स्ट, अच्छा माल्टा, माल्टा बना है 119वां कंट्री जो कि ज्वाइन करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो याद रखिएगा माल्टा आपका ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट बात करते हैं इब्सा फंड, एक फंड है, नाम से पता चल रहा है किसका, इब्सा का, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का। ये काम क्या है इसका, तो एलिविएट पॉवर्टी और हंगर। अच्छा, ये आपका एस्टैब्लिश हुआ था आपका 2004 में, ऑपरेशनल आया 2006 में, तो करंट न्यूज ये है कि फरवरी में इंडिया ने $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किया है इप्सा फंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बॉनी कपूर एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, बॉनी कपूर की कंपनी का नाम है बेव्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और भूटानी इंफ्रा, ये लोग मिलके हैव वॉन द राइट्स टू डेवलप यूपी के फिल्म सिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है। यूपी का फिल्म सिटी कहां पर है, आपका जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, जेवर ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके बगल में एक फिल्म सिटी लगने जा रही है, ठीक है, उसको डेवलप करने का काम बोनी कपूर के बेव्यू प्रोजेक्ट्स और भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलके करेंगे, ठीक है, तो फिल्म प्रोजेक्ट लग रहा है जेवर में। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ठीक है, ये जो जेवर एयरपोर्ट है हमारा, तो इसके पास आपका हमने फिल्म सिटी देखी, इसके अलावा आपका मेडिकल डिवाइस पार्क भी लगने जा रहा है, 350 एकड़ का पार्क लग रहा है आपका, ग्रेटर नोएडा सेक्टर है, सेक्टर 28 ऑफ YEIDA रीजियन, ठीक है। YEIDA क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, तो इसके द्वारा मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जा रहा है सेक्टर 18 में, ठीक है, फर्स्ट डेडिकेटेड मेडिकल डिवाइस पार्क ऑफ नोएडा, तो गीडा रीजन है, मतलब यमुना एक्सप्रेस में चलता है वहां पे, ठीक है, उसके आसपास ये रीजन है आपका YEIDA, वहीं पे ये वाला पार्क लग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल, नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे हुआ, तो चिल्का लेक जहाँ पे वहीं पे होगा, उड़ीसा, इनॉग्रेट कौन करेंगे, उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक, तो बड़ी ऑब्वियस वाली बातें हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखिए वियतनाम की कंपनी है जिसका नाम क्या है, विनफास्ट ऑटो लिमिटेड, ठीक है, ये वियतनाम की कंपनी है, चलो समझ लिया। अब इसने क्या काम किया है, ईवी फैक्ट्री लगाया है, अपना पहला इंडियन ईवी फैक्ट्री लगाया है, देखिए मेक इन इंडिया हो रहा है, वियतनाम की कंपनी इंडिया आ रही है और ईवी की फैक्ट्री लगा रही है, कहां पे, थूटुकुड़ी तमिलनाडु में, थूटुकुड़ी, और बात यह है कि 5 साल में 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी विनफास्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ओला के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने, बेसिकली ओला कंपनी ने एक वही AI चैटबॉट निकाला है अपना, कृत्रिम AI, तो बेसिकली टक्कर दिया जा रहा है OpenAI के ChatGPT का और गूगल के जेमिनी को भी टक्कर दिया जा रहा है। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA, ठीक है, एक बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये आपका इट इज प्लानिंग लिंग्विस्टिक सर्वे टू क्रिएट अ लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया, तो लैंग्वेज एटलस बनाने की कोशिश कर रही है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सुदर्शन सेतु, तो एक सुदर्शन सेतु है आपका, एक ब्रिज है जो तो किसको कनेक्ट करता है, आपका ओखा गुजरात में है और बेट द्वारका, इसको कनेक्ट करने वाला एक आपका सेतु है, ब्रिज है, जिसकी लेंथ है करीबन 2.32 मीटर, करीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास का लंबा एक ब्रिज है, दोनों ये आइलैंड को कनेक्ट करता है, तो बेट द्वारका आइलैंड है, इसको कनेक्ट करता है ये ओखा से, ठीक है, तो ये है सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट बात करते हैं अब IIM शिलोंग, ठीक है, IIM शिलोंग और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने मिलकर एस्टैब्लिश किया है इंडियाज फर्स्ट गतिशक्ति रिसर्च चेयर, गतिशक्ति रिसर्च चेयर आपका कहां पर है, IIM शिलोंग में एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। ये चेयर का काम क्या होगा, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पे एकेडमिक रिसर्च करना इसका फोकस होगा, ठीक है, और खासकर फोकस किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए ये आपका लॉजिस्टिक्स का फोकस रहेगा, मतलब रिसर्च एरिया क्या होगा, मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स, और फोकस किया जाएगा स्पेशली फोकसिंग ऑन द नॉर्थ ईस्ट रीजन।
नेक्स्ट बात करते हैं एस जे वी एन लिमिटेड का 50 मेगावाट का गुजरई सोलर पावर प्लांट की बात है। गुजरई सोलर पावर स्टेशन कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज कानपुर देहात उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछा जाए अगर गुजरई सोलर पावर स्टेशन कहाँ पे है, आप कहेंगे कानपुर देहात में आपका है, ठीक है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? एस जे वी एन लिमिटेड, चलिए ठीक है, एस जे वी एन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। चलिए आपका 281 करोड़ का है प्रोजेक्ट है, रेवेन्यू इतना कलेक्ट करेगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। दुबई ने एक स्पेशल वीजा लॉन्च किया है, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, मतलब इस वीजा से आप 5 साल तक मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं दुबई में। इंडियन टूरिस्ट को दिया जाएगा, एक बार आएंगे तो अप टू 90 डेज स्टे कर सकते हैं और एक साल में 180 दिन से ज्यादा आप स्टे नहीं कर सकते। ऐसे 5 साल का वीजा आपको दिया गया है दुबई के द्वारा। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एक एल्यूमिनियम पार्क लगा रही है, कहां पे? कोरबा में। तो कोरबा में एक एल्यूमिनियम पार्क लगाया जाएगा जहां पे ऐसे इंडस्ट्रीज होंगे, ठीक है। अब इन इंडस्ट्रीज को चाहिए एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम सप्लाई करने का काम किसके द्वारा किया जाएगा? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को, ठीक है। ये वेदांता लिमिटेड के अंतर्गत आता है बाल्को, ये रॉ एल्यूमिनियम सप्लाई करेगा इन इंडस्ट्रीज को कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट्स पे सप्लाई करने का काम करेगा बाल्को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, पीएम मोदी पार्टिसिपेट इन गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, इसका ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ये ओनर है किसका? अमूल ब्रांड आपको पता है, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है। तो अमूल का ये आपका ओनर कंपनी है गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। ये वर्ल्ड का 8th largest डेयरी सेक्टर कंपनी है, वर्ल्ड का 8वां सबसे लार्जेस्ट डेयरी सेक्टर कंपनी है, ठीक है। ये इनॉग्रेशन कहाँ पे किया गया, सेलिब्रेशन कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा अहमदाबाद, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ था ये सेलिब्रेशन। फिर बात किया हमने IIT गुवाहाटी हैज इंडियाज लार्जेस्ट रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ पे सिचुएटेड है? IIT गुवाहाटी में। तो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज लॉन्च इन कोलाबोरेशन विद एडुरेड, ठीक है, अ ब्रांड ओन बाय RC हॉबी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड इनक्यूबेटेड एट IIT गुवाहाटी रिसर्च पार्क। तो IIT गुवाहाटी रिसर्च पार्क में इनक्यूबेटेड आपका RC हॉबी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, उसने एडुरेड के साथ कोलैबोरेट करके ये बनाया है रिमोट पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछा जाए रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है, आप तुरंत कह दीजिए IIT गुवाहाटी में, ठीक है। नेक्स्ट बात की हम लोगों ने पीएम किसान का 5 साल कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट कहां से हुआ था? गोरखपुर से चालू हुआ था। तो बेसिकली 28 फरवरी 2024 को इसका मतलब 16वां इंस्टॉलमेंट पे किया जा रहा है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट क्या था? 6000 पर ईयर आपका पे किया जाएगा, आपका 3 इंस्टॉलमेंट में, हर एक साल ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट दिए जाएंगे। तो 16वां इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होता है फरवरी 28 में। तो 24 फरवरी 2019 को ये आपका लॉन्च किया जाता है और इसके 5 साल कंप्लीट होते हैं ऑब्वियसली 24 फरवरी 2024 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन आया है, उसने सस्पेंड कर दिया है डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। अच्छा, फॉरेस्ट की एक डेफिनेशन लिखी थी कहां पे? 2003 वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, ठीक है। तो इस लॉ के अंतर्गत आपका डिफाइन किया गया था फॉरेस्ट को, तो इस डेफिनेशन को सस्पेंड कर दिया गया और कहा कि भाई जो भी आपका डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट उसी को आपको वही माना जाएगा आपका फॉरेस्ट का डेफिनेशन। नेक्स्ट बात की हम लोगों ने भाई देखिए दो बादामी चालुक्यन टेम्पल, ठीक है, बादामी के जो चालुक्यास है उनके दो मंदिर पाए गए हैं, करीबन 1200 ईयर ओल्ड आपके पाए गए हैं, या नहीं ये टेम्पल्स के अंदर देखिए 1200 ईयर ओल्ड आपके इंस्क्रिप्शन है, ये देखिए फोटो में दिख रहा होगा, ये देखिए इंस्क्रिप्शन पाया गया है आपका 1200 साल पुराना इंस्क्रिप्शन पाया गया है इन मूदी मनिक्यम विलेज आपका नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में मिला है ये आपका इंस्क्रिप्शन, जहाँ पे दो आपके चालुक्यन टेम्पल भी मिले हैं। देखिए ये टेम्पल देख रहे हो आप, टूटा फूटा टेम्पल है और इसके अंदर आपका ये मिला है इंस्क्रिप्शन, देखिए लेबल इंस्क्रिप्शन, ठीक है, आई होप बात समझ में आई होगी कौन सी एरा का आपका बादामी चालुक्यन टेम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं ओडेसस लैंडर, तो ओडेसस लैंडर लैंड हुआ है साउथ पोल रीजन ऑफ द मून, ठीक है, उसको मालापर्ट ए कहा गया है और ये सोलर एनर्जी से पावर लिया जा रहा है। वॉज बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाई इंट्यूटिव मशीन्स, एक कंपनी है ह्यूस्टन बेस्ड, यूएसए की कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स। तो पहली प्राइवेट कंपनी बनती है टू रीच द मून
एंड मार्क द फर्स्ट अमेरिकन सॉफ्ट लूनर लैंडिंग ओवर 50 ईयर्स. 50 साल के बाद अमेरिका का सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, वो भी एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा. नाम है उसका इंट्यूटिव मशीन्स और जिसका नाम है ओडेसस लैंडर. ठीक है, जैसे हमारा प्रज्ञान, जैसे हमारा जो गया था ना चंद्र, उसमें लैंडर का क्या नाम था, विक्रम लैंडर. इनका है ओडेसस लैंडर. ठीक है, इंट्यूटिव मशीन कंपनी का नाम है, सबसे पहला प्राइवेट कंपनी टू रीच मून. चलो ये समझ में आया हमें कहां पे उतरा. मैलापर्ट एक साउथ पोल के पास एक जगह है. नेक्स्ट बात करते हैं प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज. पापा, इसे पापा पेलोड बोलते हैं. तो पापा पेलोड और आदित्य L1 सैटेलाइट हैज डिटेक्टेड कोरोनल मास इजेक्शन, CMEs. कोरोनल मास इजेक्शन का डिटेक्शन करता है आपका आदित्य L1 सैटेलाइट. ठीक है, द पापा पेलोड इज वन ऑफ द 7 पेलोड्स. जैसे आदित्य L1 में पापा जैसे 7 और पेलोड है. ठीक है, उनमें से ये पापा पेलोड के पेलोड क्या करेगा. पापा का फुल फॉर्म तो पता है ना आपको, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज. तो ये आपका कोरोनल मास इजेक्शन को डिटेक्ट किया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बात करते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि भैया बैग लेस स्कूल, बच्चों को बैग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. ठीक है, कुछ दिन ऐसे दिए जाएंगे जहां पे बच्चे बैग लेके नहीं जाएंगे. तो इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इन ग्रेड 1-2 एक से 12 के सारे क्लासेस में ऐसा होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 24-25 एकेडमिक ईयर. दिस इनिशिएटिव विल अलाउ स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स गेम एंड कल्चरल एक्टिविटीज एंड मोर विदाउट कैरिंग बैग्स वंस अ वीक. बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में केवल एक दिन में ऐसा होगा कि आप बैग नहीं ले आना है, आप फुल एंजॉय करिए बिना किसी बैग के. तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का इनिशिएटिव. फिर बात करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट ने रूल किया कि भाई राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड, चाइल्ड को अडॉप्ट करना आपका आर्टिकल 21 के अंदर एक फंडामेंटल राइट नहीं बोला जा सकता. और जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं, जो कि आपके बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनको चूज करने का राइट नहीं है कौन सा बच्चा अडॉप्ट करेंगे. ठीक है, जो दे दिया जाए वही अडॉप्ट करना है आपको. आप ऐसे पिक एंड चूज नहीं कर सकते बच्चों को. तो ये कहा आपका सुप्रीम कोर्ट ने. फिर बात करते हैं आपका मेदराम यात्रा. मेदाराम यात्रा आपका कहां मनाया जाता है. ये मेदाराम एक जगह है तेलंगाना में, यहां मनाया जाता है. इसका दूसरा नाम है समक्खा सरलम्मा महायात्रा. ठीक है, आप ये याद रखिए मेदाराम यात्रा, इतना बड़ा नाम याद रखने की जरूरत नहीं. ठीक है, ये कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा फेयर है इंडिया का और इसको तेलंगाना कुंभ मेला भी बोल देते हैं. ये जो आपका यात्रा है, जो फेस्टिवल है, वो कौन सा ट्राइब सेलिब्रेट करती है. तो कोया ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. एशिया का लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर है. इट इज द लार्जेस्ट ट्राइबल फेयर इन एशिया. नाम क्या है, मेदाराम यात्रा ऑफ तेलंगाना. फिर बात करते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि आपका तमिलनाडु एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन फंड लॉन्च किया. तो भाई ये फंड का काम क्या होगा, प्रिजर्व करेंगे हम लोग जो भी आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज है, थ्रेटेंड स्पीशीज है और लेसर नोन स्पीशीज लाइक नीलगिरी माटम. ये आपका नीलगिरी माटम है, देखिए पैरासाइट एनिमल है लेकिन आपका कार्निवोरस एनिमल है, सावधान रहिए इससे. ठीक है, इसके अलावा पैनगोलिंग हो गया, ऑटर हो गया, स्लेंडर लॉरिस हो गया, लायन टेल्ड मैकाक्यू हो गया, डुगोंग हो गया. तो ये सारे जो आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये तमिलनाडु के एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनमें से एक हमने यहाँ पे बताया. बाकी ये इन सबको प्रिजर्व करने के लिए ये फंड बनाया जा रहा है, तमिलनाडु एंडेंजर्ड स्पीशीज कंजर्वेशन फंड. नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए जल जीवन मिशन ने कहा था कि भैया सबके घर आपका नल पहुंचेगा, नल से पानी सबके घर पहुंचेगा. तो सबसे पहला स्टेट कौन सा बनता है जहाँ पे हर घर में नल लग चुका है, वो है अरुणाचल प्रदेश. फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, इंडिया नॉर्थ ईस्ट एंड 10th ओवरऑल. अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला है और 10वां ऐसा स्टेट बनता है जो 100% सैचुरेशन ऑफ वाटर, मतलब हर घर में आपका नल पहुंच चुका है यहाँ पे. ठीक है, तो ये वाला आपका 2019 में चालू हुआ था जल जीवन. तो देखिए पीएम किसान देखा था, वो भी 2019 में चालू हुआ था, जल जीवन मिशन भी 2019 में चालू हुआ था. ठीक है, उस पर DY चंद्रचूड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर. ये कहां पे खोला गया, ऑब्वियसली ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में खोला गया होगा. तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में ये खोला हुआ आयुष होलिस्टिक वेलनेस सेंटर, इसको इनॉग्रेट किया DY चंद्रचूड जी ने. फिर बात करते हैं भाई लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ द कंट्री. सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट टनल, रेलवे टनल कहां बन रहा है, ये आपका बन रहा है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक. ठीक है, ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अंदर 20 में सबसे लंबा लॉन्गेस्ट रेलवे टनल ऑफ इंडिया, ये आपका वॉज ओपन बाय PM नरेंद्र मोदी. इसका क्या नाम है, इसको T50 बोलते हैं. ठीक है, लॉन्गेस्ट टनल 12.77 किलोमीटर लेंथ का टनल है. ठीक है, उसके बाद खारी संबर सेक्शन, इसके बीच में यही सेक्शन है खारी संबर सेक्शन, इसमें आपका ये लॉन्गेस्ट रेलवे टनल प्रेजेंट है. लेकिन ये याद रखना है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में आता है. ठीक है, T50 नाम है. नेक्स्ट, अच्छा न्यूजीलैंड में आपका
टोबैको बैन लग गया था, टोबैको नहीं बेचा जा सकता, तो इस बैन को भी हटा दिया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड का सबसे पहला टोबैको बैन लगा था, इसको अब स्क्रैप कर दिया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। अच्छा, मोदी जी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिक्किम्स फर्स्ट रेलवे स्टेशन। देखिए, सिक्किम में इससे पहले रेलवे स्टेशन नहीं था, सिक्किम का सबसे पहले रेलवे स्टेशन इनॉग्रेशन किया गया, रांगपो नाम का स्टेशन है, पीएमपी मोदी जी के द्वारा। अच्छा, अब उत्तराखंड के जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो मदरसा आते हैं, उसमें उसका नया सिलेबस डिफाइन किया गया, और उस सिलेबस में श्री राम की स्टोरी भी बताई जाएगी, मतलब श्री राम के बारे में भी उनको बताया जाएगा आपके मदरसा छात्रों को, कहां के, उत्तराखंड के। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल 142। पता होना चाहिए आर्टिकल 142 क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट को ये एक अथॉरिटी देता है कि ये इशू कर सकते हैं गाइडलाइंस, डायरेक्शंस, या ऑर्डर दे सकते हैं टू द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज। गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज को डायरेक्शन देने का जो अधिकार है, ये आर्टिकल 142 के अंदर आता है। इसी को लोग कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपके मेजर्स लिए जा सकते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया गया है। अभी देखिए, चंडीगढ़ के मेयर के रिजल्ट में धांधली होने की बात बताई गई थी, तो अनिल मासी इनके आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने जानबूझ के ऐसा कैमरा में कैद हो जाता है कि 8 ऐसे वोटो जो आपके कांग्रेस और आप गठबंधन को मिला था, उसके कैंडिडेट कुलदीप कुमार टीटा को मिला था, इसको रद्द कर दिया गया था। तो ये पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद ये जो आपका इलेक्शन है उसको, इसके रिजल्ट को क्वैश कर दिया गया बाई सुप्रीम कोर्ट। तो चंडीगढ़ मेयर का इलेक्शन के बारे में ये है, ठीक है। तो ये भी आपका आर्टिकल 142 के पावर लेतेगी, तो ये डिसीजन दे पाई सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल 142 याद रखिए, रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का माहौल आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया उसका लोगो और टैगलाइन, और नाम क्या रखा, चुनाव का पर्व देश का गर्व। चुनाव का पर्व देश का गर्व आपका, फॉर द मल्टीमीडिया कैंपेन फॉर द फोर्थकमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो ये लोगो और टैगलाइन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ठीक है। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट में इंडिया लिस्ट टॉप करती है, हाईएस्ट नंबर ऑफ पैसेंजर्स आपके दुबई एयरपोर्ट में जाने वाले, विद 11.9 मिलियन अराइवल्स, ठीक है। दुबई एयरपोर्ट में सबसे ज्यादा कौन जा रहा है, इंडियंस। देखिए, अगला न्यूज है, सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो एक लिकर का स्टोर खोलेगा। तो रियाद में स्टोर खुल रहा है जो कि अल्कोहल को सेल करेगा। अल्कोहल सेल करेगा किसको, जो भी नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं उनको सेल कर सकता है, मुस्लिम इमिग्रेंट्स को नहीं कर सकता। तो फर्स्ट इन अ मूव मोर देन 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है सऊदी अरेबिया में कोई अल्कोहल सेल करने की शॉप खुल रही है। कहां खुलेगा, तो रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर जो है वहां पे नॉन मुस्लिम जो डिप्लोमेट्स हैं उनको अल्कोहल सर्व किया जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है आपके वाल्मीकि एयरपोर्ट है ना, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कहाँ पर है, अयोध्या में। तो वाल्मीकि एयरपोर्ट में वाल्मीकि जी की मूर्ति लगेगी, महर्षि वाल्मीकि जी की। तो ये जो मूर्ति है ये 7 फुट ऊंची मूर्ति है, और 1000 किलो इसका वजन है, और ये अष्ट धातु का बना है, 8 मेटल्स। कौन से 8 मेटल्स है, कॉपर, लेड, टिन, आयरन, सिलिकॉन, जिंक, एंटीमनी। और बनाए किसने है, आपका स्कल्पचर का नाम है प्रभात राय नाम के स्कल्पचर के द्वारा ये आपका मूर्ति बनाया गया है। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी वाराणसी गए और कई सारे प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च किए, 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पे लॉन्च किए गए, ठीक है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इस कौन कौन से हैं, देखिए, बानस काशी संकुल मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। इसके अलावा आपका एलपीजी बॉटलिंग प्लांट एचपीसीएल के द्वारा बनाया गया जाने वाला। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यूपी सीधा एग्रो पार्क, सिल्क फैब्रिक प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी। इसके अलावा फाउंडेशन स्टोन डाला गया किसका, निफ्ट NIFT वाराणसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग एट PHU। तो ये दो आपके इंस्टीट्यूशंस का फाउंडेशन स्टोन डाला गया। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम, इसका इनॉग्रेशन किया गया। और डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग रेंज अगर आपसे पूछा जाए कहां पर है, डिस्ट्रिक्ट जिसका अनावरण किया आपका मोदी जी ने, वो है आपका वाराणसी में, जैसा कि हम लोग यहां पे देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका जम्मू संस्कृति स्कूल कहां पर है, ये ऑब्वियसली जम्मू में होगी। इसने होस्ट किया फर्स्ट ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फेस्ट। कौन से स्कूल में है? आपका होस्ट किया गया, वो है जम्मू संस्कृति स्कूल। क्यों किया गया, अवेयरनेस करना है, टू प्रमोट एक्शन टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है ये। अच्छा, अब बात करते हैं फोन पे कौन ओन करता है, वॉलमार्ट करता है। तो फोन पे ने अपना एक मोबाइल ऐप मार्केट प्लेस लॉन्च किया, इंडस ऐप स्टोर, ठीक है। ऑब्वियसली एप्पल ऐप स्टोर के बारे में आप जानते हैं, गूगल प्ले स्टोर के बारे में जानते हैं।
तो उसी तरीके से एक ऐप स्टोर बनाया गया, दैट इज इंडस ऐप स्टोर, जो कि फोन पे का है, विच इज ओन्ड बाय वॉलमार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर, इसका इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ये कहां पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर, आपका ऑब्वियसली आईटी कानपुर के द्वारा मेंटर किया गया है। इज एन इंस्टीट्यूट मेंटर बाय आईटी कानपुर एट नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में आपका ये खोला गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। ठीक है, इसी न्यूज के साथ हम लोग आज का सेशन यहाँ फिनिश करते हैं। देखिए आपका फरवरी का करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो ये आपका इसका पार्ट वन हो गया, एक घंटे का लेक्चर हो गया, तो इसको और ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। आपका अगला लेक्चर आपका कल आपका अपलोड किया जाएगा, उसमें हम लोग इसको फिनिश कर देंगे और ये होगा आपका पार्ट। ठीक है, तो दो पार्ट में हम लोग फिनिश कर रहे हैं फरवरी का करंट अफेयर्स। तो आज का पार्ट यहीं तक था और मिलते हैं कल अगले पार्ट में।